घर हो तो ऐसे 90 पे रिलीज हुआ हिंदी फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार हुए अनिल कपूर और मीनाक्षी सिशारदी। फिल्म में हम शाहिद जाफरी और कादिर खान को भी देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है इससे शुरू होती है, हम देखते हैं कि दुर्गा और राम प्रसाद की फैमिली है। उनकी दो बेटे जो है विजय और अमर, अमर जो है अनिल कपूर, और उनकी एक बेटी है कंचन। विजय यहाँ पर शादीशुदा है और उसकी पत्नी है शारदा और उसकी बेटी पिंकी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय और अमर की बहन कंचन वो भी शादीशुदा है और उसकी पति है बजरंगी जो है कादर खान, वो एक घरजामाई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय की माँ दुर्गा वो विजय की पत्नी शारदा के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ की तरह विजय भी शारदा के साथ बहुत भरा बोला कहती। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय की बहन जो है कंचन वो भी अपनी माँ की तरह अपने पति के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है और उससे घर के काम कराती है। यह पर अमर जो है अनिल कपूर वो अपनी भाभी जो है शारदा की सम्मान करती है, उसके साथ देती है। अमर एक दिन नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाती है, उसके साथ देखा हो जाती है धनी व्यवसायी की बेटी करमचंद जो है जायद जाफरी, उसकी बेटी सीमा के साथ, सीमा जो है मीनाक्षी सिशारदी के साथ। सीमा एक एनजीओ चलाती है और जो महिलाओं की भलाई के लिए काम करती है। सीमा मर्द लोग को पसंद नहीं करती, उसकी मानना है कि मर्द लोग महिलाओं के अत्याचार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा की पिता करमचंद ये चाहती है कि सीमा शादी कर ले, पर सीमा शादी नहीं करना चाहती। इसकी वजह से सीमा अमर को एक प्रस्ताव देती है, वो कहती है कि अमर को बहुत सारे पैसे देगी, इसके बदले वो अमर को नकली हस्बैंड बनाएगी। बट यहाँ पर अमर उसे भला बुरा कहती है और ना कर देती है। करमचंद ये सब कुछ सुनती है और वो अमर की इस सच्चाई से खुश होती है। वो अमर को अपनी साइकिल फैक्ट्री में मैनेजर के पद में नौकरी देती है। और वो करमचंद अमर को ये भी कहती है कि वो सीमा को ये विश्वास दिलाए कि हाथ मार एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर अपनी मेहनत से फैक्ट्री में बड़े पद में नौकरी करना शुरू करती है। यहाँ पर अमर की माँ दुर्गा अमर की शादी एक धनी फैमिली की बेटी जो है सोना के साथ करना चाहती है, क्योंकि उन लोग उसे बहुत सारी दहेज देगी। बट यहाँ पर अमर मना कर देती है। अमर और विजय की माँ दुर्गा शारदा से भी 10,000 रुपये मांगती है। शारदा की फैमिली बहुत गरीब है, शारदा नहीं दे पाती। और हम देखते हैं कि अमर और विजय जब घर में नहीं रहती है तब शारदा शारदा से दुर्गा जी शारदा को बहुत अत्याचार करती है। और एक दिन वो जब अमर और विजय घर नहीं रहती तो शारदा और पिंकी को घर से निकाल देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर ये जान पाती है कि शारदा और पिंकी एक रास्ते में दुर्घटना में मर चुकी है। ये सुनने के बाद वो बहुत दुखी होती है, बट घर में कोई दुखी नहीं होती। यहाँ पर दुर्गा विजय अमर की माँ दुर्गा विजय की शादी अमर के लिए जो रिश्ता आया था सोना की उसके साथ करना चाहती है। विजय भी राजी हो जाती है। यहाँ पर एक दिन सीमा अमर को घर बुलाती है और उसे एक महिला और एक बच्चा से मिलाती है। और ये महिला और बच्चा और कोई नहीं, वो है शारदा और पिंकी। वो उन लोगों को देखने के बाद अमर बहुत खुश होती है। यहाँ पर शारदा उन लोगों को अमर को ये कहती है कि वो लोग दुर्घटना में मरी नहीं थी, क्योंकि उसकी उनकी जो ड्रेस थी वो एक पगली ने पहना हुआ था और वो लोग मर चुकी है। यहाँ पर श्रद्धा अमर को ये भी कहती है कि उसकी माँ दुर्गा उसके साथ कैसे व्यवहार किया था। ये सब सुनने के बाद अमर बहुत क्रोधित होती है और वो ये प्रतिज्ञा कहती है कि वो अपनी फैमिली से प्रतिशोध ले। यहाँ पर सीमा की पिता करमचंद आती है आकर सीमा और अमर को ये कहती है कि सीमा अमर को नकली पति पत्नी होकर दुर्गा और राम प्रसाद की घर में जाने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा और अमर दुर्गा और राम प्रसाद के घर जाती है और जाने के बाद वो उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अमर कंचन की पत्नी जो है बजरंगी उसे नौकरी देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंचन भी अपनी गलतियाँ स्वीकार लेती है और वो अपने पति को भी सम्मान करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय जो सोना के साथ जिसके एंगेजमेंट हो चुकी है, सोना उसे उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, उसे बहुत असम्मान करती है। और एक बार विजय बहुत दुखी होती है और वो शारदा को सराहना करती है, वो कहती है कि शारदा उसे बहुत सम्मान करती थी।
और यहाँ पर अमार विजय को श्रद्धा के पास ले जाती है। विजय जब श्रद्धा और पिंकी को जीवित देखती है वो बहुत खुश होती है और श्रद्धा से माफ़ी मांगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय घर जाती है और जाकर अपनी माँ से दुर्गा से कहती है कि वो श्रद्धा और पिंकी को लिए घर छोड़कर चली जा रही है। और वो भी कहती है कि श्रद्धा के साथ वो दुर्गा जी कैसा व्यवहार किया था इसकी वजह से वो चली जा रही है। यहाँ पर अमर और सीमा भी चली जाने चाहती है और कंचन अपनी पत्नी पति बजरंगी को लेकर चली जाना चाहती है। इस सब को देखने के बाद दुर्गा जो है अमर और विजय की माँ वो आत्महत्या करना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि उनकी गलती इसी वजह से उनकी फैमिली अब बिखर चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर और विजय वो अपनी माँ को बचा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा की पिता करमचंद आती है, आकर सभी लोगों को सारी सच्चाई बताती है कि अमर और सीमा शादीशुदा नहीं है, वो ये भरा ही था उन लोगों की उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि करमचंद जो सीमा को ले जाना चाहती है तब अमर चुप रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीमा अमर को एक घर के रूम में ले जाती है और ले जाकर अमर से ये कहती है कि वो क्यों नहीं सीमा को रोक रही है। या पर अमर उसे कहती है कि वो नहीं जानते सीमा उसे प्यार करती है कि नहीं। सीमा उसे कहती है वो उससे प्यार करती है। अमर भी यहाँ पर रो पड़ती है और कहती है कि वो भी सीमा से प्यार करती है। ऐसे दोनों में मील होती है और हम देखते हैं कि सारी फैमिली की भी मील हो जाती है और एक सुखी फैमिली हम देखते हैं ऐसे समाप्त होती है।